हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं सुनील टेक पॉइंट। फिर से लाया एक ऐसा वेबसाइट जहां पे आपको 7 कोर्सेज फ्री में मिल जाएंगे, जिसके सर्टिफिकेट भी आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं, जो कि इंस्टेंट सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले आपको ये वेबसाइट ओपन करनी होगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंडिविजुअल्स के लिए 7 कोर्सेज फ्री हैं, जिसे आप इनरोल कर सकते हैं। साइन अप फॉर फ्री पर क्लिक कर देना है या साइन अप पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपके स्क्रीन पे रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ज्वाइन एज एन इंडिविजुअल में आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपना डिटेल फिल कर देना है, जैसे कि प्रीफिक्स में आपको मिस्टर मिसेस या जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद फर्स्ट नेम में आपको अपना फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिख देना है, ईमेल आईडी टाइप कर देना है। उसके बाद फ्री वाले प्लान पर आपको क्लिक करने के बाद कैप्चर कोड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन आपको एक्सेप्ट कर लेना है। सारी डिटेल आपको फिल कर लेना है, जिस तरीके से मैंने फिल कर दिया है। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना होगा। सबमिट पर क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद प्लीज़ क्लिक हियर टू लॉग इन पर आपको क्लिक कर देना होगा, और आपकी ईमेल आईडी में एक मैसेज सेंड किया जाएगा, जिसमें यूज़र आईडी और पासवर्ड भी देखने को मिल जाएगा। यूज़र आईडी में आपको अपना ईमेल आईडी टाइप कर देना है, जो ईमेल आईडी आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे टाइप कर दिया था। पासवर्ड के लिए आपको अपना ईमेल ओपन करना होगा, जिसमें आपको मैसेज के थ्रू पासवर्ड सेंड कर दिया गया होगा। जैसे कि मैं आपको अपना ईमेल आईडी ओपन करके दिखाता हूँ कि आपको किस तरीके का मैसेज सेंड किया जाएगा। तो उसके लिए आपको अपना ईमेल आईडी ओपन करना है। उसके बाद आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि BEM एडुकेशन की तरफ से मुझे यूज़र आईडी और पासवर्ड दोनों ही सेंड कर दिया गया है। तो आप अपना पासवर्ड कॉपी कर लीजिए। उसके बाद लॉगिन सेक्शन में आपको पासवर्ड टाइप कर देना है। उसके बाद लैंग्वेज आपका इंग्लिश ही रहेगा। उसके बाद रिमेंबर मी पे आप क्लिक करना चाहे तो क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद आपके स्क्रीन पे आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, मेरा डैशबोर्ड ओपन हो चुका है, और होम पेज में आपको कोर्सेस मिल जाएंगे, जिसे आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर देखने को मिल जाएंगे, जिसके लिए आपको स्टार्ट पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद इस कोर्स को स्टार्ट करने के बाद इन कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको एग्ज़ाम देना होता है। एग्ज़ाम में पास होने के बाद आप सर्टिफिकेट इंस्टेंट प्राप्त कर सकते हैं। एग्ज़ाम देने के लिए आपको माई एग्ज़ाम पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपके सामने सबसे पहले पेड कोर्सेस आएंगे, जिसे आपको स्क्रॉल डाउन करना होगा। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं कि टेक एग्ज़ाम, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, और टोटल 7 कोर्सेज की ये एग्ज़ाम है, जिसे आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। और इन एग्ज़ाम को कंप्लीट करने के बाद इन 7 कोर्सेज की सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। नॉलेज प्राप्त करने के लिए होम के बटन पे क्लिक करने के बाद किसी एक कोर्स पे स्टार्ट पर क्लिक कर लीजिए। सर्टिफिकेट लेने के लिए माय एग्ज़ाम पर क्लिक करने के बाद किसी एक कोर्स में टेक एग्ज़ाम पर क्लिक कर लीजिए। जैसे कि मैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी फंडामेंटल का कोर्स करके दिखाऊंगा और सर्टिफिकेट भी प्राप्त करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए आपको टेक एग्ज़ाम पर क्लिक करने के बाद आपको अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है कि किस लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम अटेंड करना चाहते हैं। उसके बाद आपके सामने एग्ज़ाम आ जाएगा, जहां पर आप क्विज देख सकते हैं। आपको टोटल 40 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा इस एग्ज़ाम में। उसके लिए आपको व्यू ऑल आंसर पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपको टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। जैसे कि इस कोर्स में आपको टोटल 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, जो कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके बाद शो स्क्रिप्ट पर क्लिक करने के बाद आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लीजिए, जिसके ज़रिए आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ पाएंगे और उसके आंसर भी अच्छे से सेलेक्ट कर पाएंगे। आंसर सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना होगा। जैसे कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने सेकेंड क्वेश्चन आ जाएगा। इसी तरीके से आपको टोटल 40 क्वेश्चन के आंसर देने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपके सामने व्यू ऑल आंसर का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पर आपको सारे आंसर देखने को मिल जाएगा। जो भी आंसर आपका रिमेनिंग है या गलत है, उसे आप क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। उसके बाद एंड एग्जाम पे क्लिक करने के बाद ओके पर आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपका एग्जाम सबमिट कर लिया जाएगा। अगर आप पास हैं तो आपको आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आप फेल हैं तो आपको दोबारा क्विज अटेम्प्ट करना होगा। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं क्लियरली पास हो चुका हूँ और मुझे मेरा सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल रहा है, तो मैं डाउनलोड पे क्लिक कर लेता हूँ। जब आप सारे क्वेश्चन के आंसर करेक्टली दे देते हैं और पासिंग मार्क गेन कर लेते हैं, तो आपको भी इस तरीके का पेज देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर कंग्रेचुलेशन लिखा रहेगा, साथ ही डाउनलोड का भी ऑप्शन देख पाएंगे। और डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। इसे ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपको इस तरीके का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जो कि मुझे मिल चुका है, जहाँ पर मेरा नाम देख सकते हैं और इस कोर्स का नाम भी देख सकते हैं और सिग्नेचर भी देख सकते हैं।
जो सर्टिफिकेट आईडी है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे ये सर्टिफिकेट इस तरीके का आपको भी मिल जाएगा, और जो भी कोर्स आप कंप्लीट करते हैं उस कोर्स का सर्टिफिकेट इस तरीके का मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो का इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो और ऐसे ही कोर्सेज के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले।